ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਦੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਇੱਕਦਮ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਦੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। आज हमारे एक साथी भाई है ज्वेलर्स MS ज्वेलर्स के नाम के से जिनकी दुकान है किले में किला पार करके, वो अपने दुकान पे दोपहर को लगभग 3:30 के आसपास बैठे हुए थे। उनके पास दो कस्टमर थे, उनको सामान दिखा रहे थे। तब तक दो लड़के आए जिन्होंने अपने मुंह पर रुमाल बंद रखा था और तीन आए दो घुसते, उन्होंने अंदर उसको काबू में कर लिया, पिस्टल लड़ा दी। तब तक तीसरा लड़का आ गया और उन्होंने सारा सामान निकलवा लिया। विरोध किया उन्होंने तो दरवाज़ा बंद करके उसको बाद गुस्से से मारा और फिर अंत में उसको चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक सूचना आई सारे ज्वेलर्स इकट्ठे हो गए, कुछ हॉस्पिटल में हैं, कुछ उसकी दुकान पे हैं और प्रशासन से ही गुहार लगा रहे हैं। हमारे पास ये 5वीं 6वीं वारदात है 2 साल के अंदर, कुछ ट्रेस हो पाए हैं, कुछ नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो आश्वासन अभी तक मिल नहीं पाया जो हम चाह रहे हैं, जो सुरक्षा हम चाह रहे हैं वो प्रशासन से अभी तक हमें मुहैया नहीं हो पाई है। अब SP साहब से भी गुहार लगाते हैं, कृपया कर व्यापारियों के सुरक्षा पर संज्ञान लें और इनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराएं। लगभग 4:30 की बात है और ये जो MS ज्वेलर्स है इसका मालिक शेख चमालुद्दीन है, ये अपनी दुकान के ऊपर बैठा हुआ था और एक कस्टमर था। उस समय तीन बफल फेस सीधा तीन लड़के आए और उन्होंने चाकू और पिस्तौल के बल पे यहाँ से जेवरात की लूट, जैसी पुलिस को सूचना मिली पुलिस मौके पर नशाबंदी करा दी और आरोपी क्या क्या सामान ले गए सर पता चला? अभी डिटेल्स नहीं दी, ज्वेलरी जो CCTV फुटेज चेक की जा रही है, ज्वेलरी के जो बॉक्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। CCTV में सर कितने आदमी दिखाई दे रहे हैं? 3 आदमी। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी उसकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और नाकाबंदी की जा रही है, तलाश के लिए टीमें डाली गई है। सुनार को भी घायल किया है सर मार के? हाँ, उसको कुछ ब्लड मिला है मौके के ऊपर, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी स्टेटमेंट।